मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम लगभग 24,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं तब सस्ती बिजली लोगों को दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा, बिजली आनंद पैदा करे, असंतोष का कारण नहीं बनना चाहिए। स्मार्ट मीटर के चलते जनता में कुछ समस्या ना आए, इसके लिए लोगों को अवेयर करें। इस दौरान सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन की गलत जानकारी देने पर अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने सड़क ठीक न होने पर भी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम लगभग 24,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं तब सस्ती बिजली लोगों को दे पा रहे हैं। बिजली आनंद पैदा करे, असंतोष का कारण नहीं बनना चाहिए। स्मार्ट मीटर के चलते जनता में कुछ समस्या ना आए, इसके लिए लोगों को अवेयर करें। शिवराज ने कहा, बिजली की उपलब्धता के बारे में संतुष्टि का स्तर अच्छा है, इसके लिए बधाई देता हूं। देवास जिले के अधिकारियों के साथ सीएम ने वीसी से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा, बिजली की उपलब्धता और बिजली की समस्या के समाधान के मामले में देवास आइडियल हो सकता है। आप बिल्कुल ठान लीजिए, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। और मैं ये भी आपको छूट दे रहा हूँ कि अगर कोई दलाल कर रहा है, कोई गड़बड़ आदमी कर रहा है, तो उसकी जानकारी भी दे, उसको हम जेल भेजने की व्यवस्था करें। राशन के बारे में मैंने नहीं पूछा है, क्योंकि मेरी आश्वस्ति है कि राशन ठीक वितरित हो रहा होगा। लेकिन उस पर भी ये रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार ये ढंग से देखना चाहिए। सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन की गलत जानकारी देने पर ई नारायण भिड़े को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। सीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें ठीक नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। वहीं सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम जनसेवा अभियान, महिला अपराध में कमी और बिजली की बेहतर उपलब्धता पर जिले की प्रशंसा की। इस मौके पर उन्होंने एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी अभियान, अमृत सरोवर, बिजली आपूर्ति, ODOP, आयुष्मान भारत और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। रोजगार दिवस के बारे में आज मैंने बात की थी, क्योंकि लगभग 1.25 घंटा हो गया मेरे दूसरे कार्यक्रम में, तो रोजगार की रिपोर्ट भी मेरे पास भेजे, जो हम बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का, स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री व उद्यमी योजना, बाकी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी चीज है। फिर कंपनियों में अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो रोजगार मेला लगा के हम कर सकते हैं। अलग स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इस बात की चिंता हमको करनी चाहिए। निवेश अगर आता है तो उसकी भी मेरे पास एक रिपोर्ट भेजी है कि पिछले महीने कितने लोगों को रोजगार दिए थे। अगले महीने दिसंबर में फिर रोजगार दिवस होगा, तब फिर हम रोजगार के लिए अभियान चलाएंगे। जो मुद्दे सामने आए हैं, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो तुरंत CMO को आप अवगत कराएं, मेरे PS को, ताकि हम तत्काल विभागों से कोऑर्डिनेट कर सकें। हम ये सोच के ना बैठे कि क्या करें, ऊपर से ये चीज नहीं हुई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।